नेहरिगे जब भारत के हितों के खिलाफ काम करने की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी की रॉयल फैमिली शाही परिवार सबसे आगे आता रहता है। भाइयों मैनों मैं गंभीर विषय पर आज इस धरती पर से कुछ कहना चाहता हूं। आज दिल में बड़ी दर्द है इसलिए मैं कह रहा हूं। ये देश इस प्रकार के खेल कभी माफ नहीं कर सकता है दोस्तों। मैं यहां कहे बिना रह नहीं सकता हूं। ये फैमिली खुले तौर पर भारत में राजनीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी शक्तियों को दखल देने के लिए उकसाते हैं। ये लोग कैसे गुप्त रूप से भारत को पसंद न करने वाले विदेशी डिप्लोमेट के साथ सीक्रेटली मिलते हैं। अब देश को इन सारी बातों का पता है। ये ऐसे काम करते हैं जिससे बार बार भारत की संप्रभुता का अपमान होता है और इस अनुचित कार्य में उन्हें कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती है। इस कर्नाटका चुनाव में कांग्रेस का शाही परिवार एक कदम और आगे बढ़ गया है, मर्यादाएं तोड़ के आगे बढ़ा है, देश की भावनाओं को कुचल करके आगे बढ़ा है। मैं जो कहने जा रहा हूं, और ये सिर्फ कर्नाटक का विषय नहीं है, मैं पूरे हिंदुस्तान को कहना चाहता हूं, बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं, बड़े दर्द के साथ कहना चाहता हूं, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे एक एक कन्नड़िका को मेरी इस बात को बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए, बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए। इस चुनाव में आप कांग्रेस के शाही परिवार ने कल कर्नाटका में आकर के बोला है, उन्होंने कहा है कि कर्नाटका की सॉवरेनिटी की रक्षा करना चाहते हैं। कर्नाटका की सॉवरेनिटी यानी कि कर्नाटका की संप्रभुता, क्या आपको पता है कि इसका अर्थ क्या होता है? इतने सालों से पार्लियामेंट में बैठे हैं, भारत के संविधान का शपथ लिया है और ये बात बोलते हैं। जब कोई देश, सुनिए दोस्तों, जब कोई देश आजाद हो जाता है तो उस देश को संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। कांग्रेस जो कह रही है इसका मतलब है कि कांग्रेस कर्नाटका को भारत से अलग मानती है। क्या आपको मंजूर है ये बात? आपको मंजूर है? ऐसा कहने वाली कांग्रेस को सजा करोगे या नहीं करोगे? भाइयों बहनों, इसका मतलब है कि कांग्रेस खुलकर कर्नाटका को भारत से अलग करने की वकालत कर रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग की बीमारी कांग्रेस में इतनी ऊपर तक पहुंच जाएगी मैंने कभी सोचा तक नहीं था। कांग्रेस भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले लाखों कन्नड़ा स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रही है। कांग्रेस करोड़ों कन्नड़िका की देशभक्ति का अपमान कर रही है।
भाइयों बहनों, ये कन्नड़ा वो धरती है जिस धरती पर राष्ट्र कवि कुवेंपू जी ने साफ साफ कहा रहा है, साफ साफ कहा है कि कर्नाटका भारत राष्ट्र का अभिन्न अंग है। जया भारत, जया भारत जननिया तनुजते, जया हे कर्नाटक माते। कर्नाटका हर कन्नड़िगा के लिए एक मां है, मां, और इसे भारत माता की बेटी के रूप में वर्णित किया गया है। मैं हर कन्नड़िगा की भावना को समझता हूं भाइयों, आपके दिल की आवाज को समझता हूं। इस भावना का पान कर्नाटका की संस्कृति, यहां के गौरव का पान है। भाइयों बहनों, कांग्रेस का इतिहास यही रहा है। कांग्रेस ने भाई को भाई से बांट दिया, कांग्रेस ने राज्यों को आपस में लड़ाया, कांग्रेस ने देश में जाति और सांप्रदायिक आग भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और जब जब उन्होंने ऐसे किया है, भारत की जनता उन्हें हराने के लिए एकजुट हो गई है। इसलिए वे पॉलिटिकल ऑक्सीजन पाने के लिए किसी भी कीमत पर कर्नाटका में सत्ता में आना चाहते हैं। कर्नाटका के लोग कांग्रेस का ये पाप, ये अपराध कभी भी माफ नहीं कर सकते। क्या माफ कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं? ये कर्नाटका का अपमान माफ कर सकते हैं? भाइयों बहनों, इसका जवाब कांग्रेस को 10 मई को मिलेगा, पूरी ताकत से मिलेगा।